देखिए, प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है, ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीज़ों की जाँच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है।